तो शब्द समारी के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है गाँव। ए जी एक शब्द है औषधि, एक शब्द है गाँव। आइए आप सभी लोगों के बीच में एक छोटी सी विनती, छोटी सी वंदना तथागत बुद्ध के चरणों में, जो कि हमारे पूज्य गुरु आनंद राज जी गाया करते हैं, उन्हीं का एक छोटा सा गीत है। आइए आप सभी लोगों के बीच में प्रयास कर रहा हूं कि मैं भी पहुंचा सकूं कि हे बुद्ध तथागत जी, हे बुद्ध तथागत जी, और थोड़ी सी दया कर दो। हे बुद्ध तथागत जी, थोड़ी सी दया कर दो। करते हो दया सब पर, करते हो दया सब पर, थोड़ी हम पे दया कर दो। भैया बताएं आपको, इस संसार में तथागत बुद्ध ने अनेकों लोगों के ऊपर दया दिखाई, और उनको क्या मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए अंगुली माल को उन्होंने एक डाकू से भंते बना दिया, किसी को वेश्या से एक अच्छी स्त्री बना दिया, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी बना दिया अपने सीलों से। और इतना ही नहीं, अंगुली माल को तुमने ही सिखाया है, अंगुली माल को ओ अंगुली माल को तुमने ही सिखाया है। बस ज्ञान की कुछ बूंदे, बस ज्ञान की कुछ बूंदे मेरे मन में भी भर दो। तोड़ते हो दया सब पर, थोड़ी हम पे दया कर दो। पटाचारा उसे पास बुलाए थे, एक स्त्री थी पटाचारा नाम की, समय के मार के आगे वो टिक नहीं पाई और अपना आपा यानी अपना मन खो बैठी। और एक दिन तथागत बुद्ध की जहाँ पर सभा थी, वहाँ पे बाहर में खड़ी थी, तथागत बुद्ध ने उसे अपने प्रेम से बड़े पास में बुलाया, और उसकी जो भी दिक्कत, जो भी समस्याएं थी ना भैया, आज तथागत बुद्ध ने सुनी, और सुनने के बाद में
तथागत बुद्ध ने अपने सीलों से, अपने तप से, अपने बल से उस पट्टाचारा को एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी बेटी के रूप में बनाने का कार्य किया। इसीलिए कहना है, पागल थी पट्टाचारा वो पास में आई है, पागल थी और वो ज्ञान तथागत जी जो आपने पट्टाचारा को सिखाया था ना, वो ज्ञान तथागत जी थोड़ा हमको भी दे दो। अंतिम पंक्ति में कहना चाहेंगे, भगवान ये मोहित की बस अंतिम इच्छा है, भगवान ये मोहित की बस अंतिम इच्छा है। कौन सी? ओ जब मैं ना रहूं दुनिया में, जब मैं ना रहूं दुनिया में मेरे गीत अमर कर दो। हर इंसान इस संसार में अगर किसी का नाम लेता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे तथागत जी रहे हो, चाहे कांशीराम जी, चाहे बाबा साहब जी रहे हो, इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ इस समाज के ऊपर कर्जा है इनका, इसलिए तथागत बुद्ध का आज नाम लिया जाता है। आज अगर आप सब लोगों के बीच में मैं हूँ तो मेरे गुरु का आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्या, उनकी कृपा समझिए तथागत बुद्ध। वह तमाम से लोगों को मैंने अपना गुरु माना, मेरे माता पिता भी मेरे गुरु समान हैं, क्योंकि पहली शिक्षा मैंने अपनी मैया की गोद में ही पाई। अगर मैया नहीं आई होती तो आज इस मंच के माध्यम से आपके बीच में मैं नहीं बोल पा रहा होता। इसीलिए मैया को भी बार बार नमन है, उस पिता को भी बार बार नमन है, उस भाई को भी बार बार नमन है, उस हर श्रोता को बार बार नमन है जिसने भी मृदुल मोहित बौद्ध को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया है। हमारे भैया अमित कुमार जी मझियावा से जिन्होंने बड़ा सहयोग किया, और भी हमारे बहुत से मिशनरी साथी हैं, हमारे छोटू भैया कानपुर से और सुरेंद्र भैया भी कानपुर से, सभी लोगों ने बड़ा प्रेम स्नेह दिया। हमारे विकास भैया मैदू से और सर्वेश भैया, ऐसे तमाम से हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने बड़ा सहयोग किया। आप सभी लोगों को धन्यवाद अदा करते हुए फिर अंतिम लाइन में वही बात, ओ जब मैं न रहूं दुनिया में मेरे गीत अमर कर दो। जब मैं ना रहूं दुनिया में मेरे गीत अमर कर दो, जब ओ करते हो दया सब पर, थोड़ी हम पे दया कर दो।
ओ लेते जाना जी बुद्ध नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना जी भीम नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना जी बुद्ध नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना।